प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 2 कविता 16 भोर और बरखा की पुनरावृत्ति करेंगे। इस कविता की कवयित्री मीराबाई है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो हैं, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे। शब्दार्थ देखते हैं। ललना यानी लाल पुत्र या प्यारा बच्चा, रजनी यानी रात, भोर सुबह, मोरे यानी मेरे, बीती बीत गई, भयो हो गई, मथत यानि मथना, कंगन हाथ में पहने जाने वाला आभूषण। इस पद में प्रभात के समय श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, यहाँ पर यशोदा माँ अपने मधुर स्वर में प्रिय श्री कृष्ण को भोर यानी सुबह के समय जगा रही है और वह कहती है कि मेरे बरसी वाले ललना, मेरे पुत्र तुम जाग उठो, रजनी बीती भोर भयो हैं, घर घर खुले किमारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे। रजनी बीत गई है और सुबह हो चुकी है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। अभी किवारे का मतलब क्या है? तो दरवाजे। तो तुम जाग उठो, गोपियों के हाथों के कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है, गोपियों ने दही मथना शुरू किया है, तुम्हारे लिए गोपियां मक्खन निकाल रही हैं। तो मोरे प्यारे तुम जाग उठो, सवेरा हो गया है। उठो लाल जी भोर भयो हैं, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे, माखन रोटी हाथ महलिनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे। शब्दार्थ सूर यानी देवता, नर मनुष्य, ठाड़े यानी खड़े, ग्वाल बाल मतलब ग्वालों के बच्चे, कुलाहल शोर, शब्द यानी शब्द, उच्चारे बोलते हैं, रखवारे यानी कि रखवाले, सनद यानी शरण, तारे उद्धार। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे। तो यहाँ यशोदमा कहती हैं कि प्रिय लाल, तुम्हें जगाने के लिए सुर सूर यानी देवता और नर यानी मनुष्य खड़े हैं, यानी कि तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर सभी देवता और मानवजन खड़े हैं, ग्वालों के बच्चे कुलाहल कुलाली मतलब शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, तो तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में वे खड़े हैं। माखन रोटी हाथ महलिनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे। यानी गौवन, गौवन यानी गायों की रक्षा करने वाले रखवाले हाथ में माखन रोटी लेकर तुम्हें ले जाने के लिए आतुर है, तो तुम जाग उठो, मेरे प्रभु गिरिधर नागर है अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं, वे अपनी शरण यानि शरण में आए हुए सभी लोगों का उद्धार करते हैं। कृष्ण को गिरिधर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गिरी गिरी यानि पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और इसीलिए कृष्ण का अन्य नाम गिरिधर पड़ा। बरसे बदरिया सावन की,
सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। शब्दार्थ है बरसे यानि बरसती है। बदरिया बादल मेघ, मन मन भावन यानि मन को भाने वाला, उमग्यो यानि उमंग से भरा हुआ, भनक यानि कि आभास, चहुदिस चारों दिशाएं, दामिन यानि कि बिजली, दमक यानि चमक, झर लावन की यानि वर्षा लाने वाली। इस पद में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। यहाँ बादल बरस रहे हैं, सावन के आते ही मन में उमंग जाग उठती है। इनमें श्री कृष्ण के आने की भनक भनक यानि आभास हो रहा है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। बादल उमड़ घुमड़ कर चहुदिस, चहुदिस यानि चारों दिशाओं से आते हैं, और दामिन, दामिन का मतलब है बिजली, चमकने लगती है, और झर लावन की यानि वर्षा लाने वाली। तो जब बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तब बिजली चमकने लगती है और वर्षा शुरू हो जाती है। नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। शब्दार्थ शीतल यानी ठंडी, पवन हवा, गावन मतलब गीत गाना। तो यहाँ वर्षा की नन्नी नन्नी बूंदे बरसने लगती हैं, और ऐसे मौसम में शीतल पवन यानी ठंडी हवा सुहावनी लगती है। मीरा अपने प्रभु गिरिधर गोपाल के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत गाना चाहती हैं। बादलों के आने के माध्यम से कृष्ण के आने की खुशी में मीराबाई आनंद के गीत गाना गाती हैं, गाना चाहती हैं। तो बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, भोर और बरखा कविता की कवयित्री कौन है? यहाँ पर पहला ये है विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, और तीसरा विकल्प है मीराबाई। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है मीराबाई, यह विधान सही है। अगला प्रश्न है, पद में बंसी बारे किसे कहा गया है? पहला पद है बंसी बजाने वाले को, दूसरा विकल्प है बंसी बेचने वाले को, और तीसरा विकल्प है श्री कृष्ण को। तो यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है श्री कृष्ण, यह विकल्प सही है। तीसरा है, इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है? तो पहला है वसंत ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, और तीसरा विकल्प है ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वर्षा ऋतु, यह विकल्प सही है। आगे का प्रश्न है, घरों के दरवाजे किस समय खुलने लगे हैं? पहला विकल्प है प्रातः काल के समय, दूसरा विकल्प है दोपहर के समय, और तीसरा विकल्प है सायंकाल के समय। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है प्रातः काल के समय, यह विकल्प सही है। पांचवा है, गोपियों के कंगन की आवाज़ उत्पन्न हो रही है। पहला विकल्प है घरेलू काम करने से, दूसरा विकल्प है दही मथने से,
और तीसरा विकल्प है मक्खन निकालने से। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है दही मथने से, यह विकल्प सही है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत पहचानिए। पहला वाक्य है, कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर केवल ग्वाल बाल खड़े हैं। क सही और ख विकल्प है गलत। तो ये जो वाक्य है यह वाक्य गलत है, क्योंकि कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर सुरनर यानि देवता और मनुष्य खड़े हैं। आगे का प्रश्न, यशोदा बंसी वाले प्यारे श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। क है सही और ख है गलत। तो ये जो वाक्य है यह वाक्य सही है। आगे, मीरा अपने गिरधर नागर के लिए आनंद मंगल गीत गाना चाहती हैं। क है सही और ख है गलत। तो ये जो वाक्य है यह वाक्य सही है। तो बच्चों, आपको परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।